हाय एवरीवन, मैं हूँ जेसन रवि, सिनेमा और सत्य की आवाज और समरी ऑफ सिनेमा में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम भोला का ट्रेलर रिव्यू करने वाले हैं जो कुछ ही देर पहले रिलीज हुआ है। भोला तमिल फिल्म कैथी की ऑफिशियल रीमेक है। ये फिल्म 30 मार्च को रिलीज होने वाली है सिनेमाघरों में। फिल्म में अजय देवगन के अलावा हम तब्बू, संजय मिश्रा, दीपक डोबरियाल और गजराज राव को भी देखेंगे। ट्रेलर में हम देखते हैं इंस्पेक्टर डायना जोसेफ यानी कि तब्बू को। उसकी टीम बहुत बड़ा कोकेन का कंसाइनमेंट कॉन्फिस्केट करती है और कुछ ड्रग स्मगलर्स को अरेस्ट कर लेती है। इसके वजह से ड्रग लॉर्ड आशु यानी कि दीपक डोबरियाल उन 5 ऑफिसर्स के खिलाफ बाउंटी डिक्लेयर करते हैं। एक हायर ऑफिसर के रिटायरमेंट पार्टी में आशु के लोग ड्रिंक्स में जहर मिला देते हैं। तब वो अपने मेडिकल कंडीशंस के वजह से ड्रिंक्स नहीं पीती है, लेकिन उसकी टीम की हालत बिगड़ने लगती है। खतरे में पड़ी तब्बू भोला यानी अजय देवगन से अपनी टीम मेंबर्स को सेफली हॉस्पिटल तक पहुंचाने की मदद मांगती है। बदले में वो भोला को उसकी बिछड़ी हुई बेटी से मिलवाने का वादा करती है। कैसे भोला इन लोगों को हॉस्पिटल तक पहुंचाएगा और रास्ते में आशु के हर अटैक का सामना करेगा, ये जानने के लिए हमको वेट करना पड़ेगा 30 मार्च तक। फिल्म को डायरेक्ट किया है अजय देवगन ने। कोई मूवी अडेप्ट करना उनसे सीखे। दोस्तों, ट्रेलर देख के लग रहा है कि कैथी फिल्म के बस बेसिक प्लॉट लाइन ली गई है, बाकी पूरी फिल्म की ट्रीटमेंट अलग की गई है। अजय देवगन इस स्क्रिप्ट को नेक्स्ट लेवल तक लेकर चले गए हैं। सिंपल भाषा में कहे तो वो एक रियल मास एंटरटेनर है और ऑडियंस की रग रग से वाकिफ है। इस फिल्म को प्रोड्यूस किया है खुद अजय देवगन ने, टी सीरीज ने, रिलायंस एंटरटेनमेंट ने और ड्रीम वॉरियर पिक्चर्स ने। हमने टीजर रिव्यू के वक्त अजय देवगन की एज भोला काफी तारीफ की है और अब ट्रेलर देखने के बाद दीपक डोबरियाल की भी तारीफ करनी पड़ेगी। शैतान से कम नहीं लग रहे वो। ये जो वर्दी की हनक दिखा रहे हैं ना साले, निकालते हैं इनकी सनक। भोला और आशु का फेज ऑफ देखने में मजा आने वाला। ज्यादातर रात के सीन्स होने के बावजूद विजुअल्स अमेजिंग है एंड उसको बहुत ही अच्छी तरीके से कॉम्प्लीमेंट किया है साउंड डिजाइन में, क्योंकि म्यूजिक एकदम तोड़फोड़ है। साथ ही में एडिटर धर्मेंद्र शर्मा की भी तारीफ करनी पड़ेगी, क्योंकि एडिटिंग एकदम क्रिस्प है। एक्शन सीन्स का स्केल देकर हम ही अंदाजा लगा सकते हैं कि बड़े पर्दे पर ये फिल्म देखने का कितना मजा आएगा। दोस्तों, इस फिल्म की कास्ट और एक्शन सीन्स दोनों ही अमेजिंग है। विजुअल्स फैंटास्टिक होने के साथ ये फिल्म 3D में भी रिलीज होने वाली है, तो बड़े स्क्रीन पर देखने का मजा अलग ही होगा। हम तो काफी एक्साइटेड है ये फिल्म को देखने के लिए। बस आशा करते हैं कि ट्रेलर के फाइट सीन्स तो बस एक झलक होंगे और मूवी में उससे भी ज्यादा गूज़बम्प्स वाले एक्शन सीन्स देखने मिलेंगे। सो वेल फ्रेंड्स, ये था भोला ट्रेलर का रिव्यू आपके लिए। कुछ छूट गया हो तो कमेंट्स में बताना। अगर लाइक, सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल दबाई है तो गॉड ब्लेस यू, और अगर नहीं दबाई तो प्लीज दबा दीजिए और हमारे एफर्ट्स को सपोर्ट और एनकरेज कीजिए। रिव्यू को अजय देवगन के फैन दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। फिलहाल के लिए मैं जेसन रवि विदा लेता हूँ। थैंक यू, शुक्रिया और जय हिंद। Let's go!